हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम कल की डेट में वीडियो नहीं बना पाए जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट अगर हम बात करें आज की डेट की, तो आज की डेट में ये पहला वीडियो है जो कि आपके सामने यहाँ पर पेश हो रहा है। ये वीडियो रहेगा क्लीन साइंस के रिलेटेड। क्लीन साइंस आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर शेयर है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, एज वेल एज अगर हम बात करें इसमें अच्छी खासी ग्रोथ भी नजर आ रही है। और इस शेयर को मैं काफी टाइम से आपको रिकमेंड करता हुआ नजर आ रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जब ये 1400 के आसपास ये शेयर जब ये चल रहा था, तब से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग करें, बाइंग करना शुरू कर दीजिए, बाय ऑन डिप्स करके बाइंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा। और आज की डेट में अगर हम देखें तो अच्छा खासा ऑलरेडी ये 11%, जब से मैंने बताया 11-12% भाग चुका है। बट स्टिल देयर इज अ लाइक यू कैन गेट अ more percentage of returns from this particular stocks। अगर बात करें यहाँ पर, चलते हैं जानते हैं इस particular company के बारे में करती क्या है, उससे related बातें करेंगे। तो before the video में आगे बढ़े, request करूँगा आप हमारे channel, जो आप सभी का channel Invest Forever, इसे subscribe करें, share करें family friends के साथ, ताकि इस तरह की video आपको daily basis पे मिलती रहे। और यहाँ पर daily basis पे videos बनाई जाती है, तो यहाँ पर stay tuned रहिए हमेशा, subscribe करके रखिए, bell icon को hit करके रखिए, सारी की सारी videos यहाँ पर मिलती रहे। playlist को go through करिए, buying selling की recommendation नहीं है, बट यहाँ पर आपको सीखना है, और सीखने के लिए कोई पैसे कोई ज्वाइंट बटन नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर वीडियो जाना है, देखना है, लाइक करना है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जैसे कि क्लीन साइंस हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर शेयर है आता हुआ दिखाई दिया था, फिर उसके बाद अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ पैरामीटर्स की और बातें करें, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1422 रुपए पे 26 अगस्त को ये शेयर आया था, उसके बाद 22 अगस्त जुलाई को 1780 रुपए के आसपास ये शेयर था। तो ये इसका 52 वीक हाई है, ये लो है। इसके अलावा लास्ट डे की देखे तो 32% के यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे शेयर उठाए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है, तो 78% के आसपास है। पब्लिक वेस्ट 21% के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर। और अभी ये 9 अगस्त को इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 के यहाँ पर अनाउंस किए थे, और यहाँ पर 78 मतलब इसका मतलब है OFS 3 साल के अंदर अंदर इन्हें लाना होगा। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर की बात करें तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी करती क्या है, आपको पता ही है, केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। ओके, ये तीन तरीके के अगर हम यहाँ पर देखें, फाइन केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कंपनी इन इंडिया, और इनका जो कंपनी है वो केमिकल्स तो बनाती है बट इको फ्रेंडली, अगर बात करें ग्रीन साइंस से यहाँ पर रिलेटेड ये केमिकल्स बनाती हुई नजर आती है। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर अलग अलग ब्रोकर्स ने अलग अलग यहाँ पर बाइंग की सलाह दी है। जैसे क्लीन साइंस यहाँ पर देखिए आनंद राठी ने यहाँ पर दिया है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी कुछ 2 वीक पहले कहा था 7% अप हो गया है। यहाँ पर बात करें अलग अलग चैनल्स ने भी यहाँ पर NSE ने यहाँ पर कहा था, तो यहाँ पर ये शेयर भागते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा एक आर्टिकल है जो आपको मनी कंट्रोल पर मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होता हुआ दिखाई देगा। कोशिश करूंगा इसका लिंक नीचे देने की, अदरवाइज यहाँ पर क्लीन साइंस न्यूज से रिलेटेड यहाँ पर डालिएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिवॉज द ट्रम्प कार फॉर द स्पेशलिटी केमिकल्स प्लेयर यहाँ पर आ जाएगा, 4 दिन पहले का यहाँ पर आर्टिकल है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, इन लार्ज प्रोडक्ट बास्केट एंड अ फोकस ऑन ग्रीन केमिस्ट्री विच हेल्प्स इन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर बात करें ये हर एक केमिकल्स कंपनी को इस केमिकल्स कंपनी से अलग कर देगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ना ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी तरीके का केमिकल्स यूज नहीं होंगे, यहाँ पर केमिकल्स जो यूज होंगे वो इस तरीके के केमिकल्स यूज होंगे जो कि आपको पेड़ पौधों से मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि पर्यावरण को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी तरीके का। ओके, जिसमें आपका इस तरीके के केमिकल्स अगर आप यूज करोगे ग्रीन केमिस्ट्री से, उसमें आपकी हेल्थ को भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अगर बात करें काफी सारी चीजों में यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है। देखिए, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेक्टेड स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोसेस इनोवेशन सपोर्ट सुपीरियर प्रोडक्ट डेल्टा, फोकस ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर लोअर एफ्लुएंट, एज वेल एज बात करें मार्जिन फॉर टू मॉडरेट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो ये कंपनी है, ओके, ये सिलेक्टेड केमिकल्स लाइक MEHQ, BHA, एनिसोल एंड MAP,
ये कुछ केमिकल्स के नाम है एंड फोर, तो इसमें ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी आल्सो अमंग द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द थ्री अदर प्रोडक्ट्स लाइक गुआकॉल एज वेल एज डीसीसी एंड एल एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट। तो एक पर्टिकुलर कंपनी इसमें भी काम करती हुई नजर आती है। प्रोडक्ट प्रोफाइल देख सकते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट प्रोफाइल। और ये कुछ कंपनीज हैं जो कि इसकी यहाँ पर पीयर कंपनी है। कुछ यहाँ पर लिस्टेड है, जैसे कि बात करें याशो लिस्टेड है, कैमलिन फाइन यहाँ पर लिस्टेड है। तो इन कंपनी की तरफ ये भी जाके यहाँ पर एक बार देख सकते हैं आप। परफॉर्मेंस केमिकल की बात करें तो देखिए, परफॉर्मेंस केमिकल्स में ये कंपनी इन चीज़ों को बनाती हुई दिखाई देती है। और बात करें एफएमसीजी केमिकल्स की, तो देखिए यूज इन यूवी ब्लॉकर इन सनस्क्रीन में यहाँ पर काम कर केमिकल्स फोर मैप ये बनाती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज प्री कर्सर टू परफ्यूम्स इंसेक्ट फ्रॉमनस ये एनिसोल ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। और इसमें देखिए अतुल, जो अतुल आपको बताइए एक शेयर है, वो भी यहाँ पर जो केमिकल का शेयर है, ये भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए MEHQ मोनो मिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्यूनोन, यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाते हुए कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। और भी इस कंपनी के बारे में यहाँ पर इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कंपनी एक्सपोर्ट ज्यादा करती हुई दिखाई देती है। और इज अ यूज इन द एंटी ऑक्साइड इन द फूड एंड फीड इंडस्ट्री इन एनिमल फीड्स एंड न्यूट्रिशन। ये कंपनी अलग अलग चीजों में काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, मार्केट का परसेंटेज किसका कितना है। ग्रीन केमिस्ट्री एज की बात की जा रही है कि जो मैं आपको अभी बता रहा था, ग्रीन केमिस्ट्री में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और इसको बात बताया तो देखिए इनका जो एक्सपोर्ट का 70% सेल्स है, ओके, वो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट विच अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ सेल्स, 70% की ओवरऑल सेल्स होती हुई नजर आती है जो एक्सपोर्ट से आती है। और ए नोटेबल पार्ट इज द मतलब चाइना इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट में मार्केट है। अगर बात करें 37% यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू आता है वो चाइना से आता है। चाइना द बिगेस्ट मार्केट फॉर CSTL जो कि इनका सबसे बड़ा यहाँ पर मार्केट नजर आता है। इसके अलावा रोड अहेड की बात करें कि क्या क्या इनके प्लान्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है, तो एक बार यहाँ पर जाके इनकी कंपनी के बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेगी, तो जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप्स 18,000 करोड़ के आसपास का है जो कि मिड कैप कंपनी है। आरओसी 60% की है, आरओई 45 है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ओके। और पी यहाँ पर 88% का यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा सीएजीआर की बात करें तो 3 साल से आरओई 44%, डिविडेंड भी यहाँ पर अच्छा खासा है और 48% के सीएजीआर से कंपनी यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें सेल्स, तो यहाँ पर पता चलेगी ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पे सेल्स जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 से, तो यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट रैली है, ओके, कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर कंपनी भाग रही है जो कि इसे बताता है कि इनके मैनेजमेंट को काम करना आता है। इनके जो प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं इनके, अगर हम यहाँ पर देखें मैनेजमेंट को काम करना भी आता है और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी निकाल रही है। 27 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। रिजर्व 529 करोड़, कोई यहाँ पर बोरिंग नहीं, 55 करोड़ वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट 233 करोड़, कैश की बात करें तो 16 करोड़ का कैश भी है। और जो भी पैसा आता है इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश होता है वो बुक में दिखाई देता है, ओके। आरओसी आरओई की बात करें तो हमेशा ही पिछले 5 साल में काफी बेहतरीन यहाँ पर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं 55%, 42% अच्छी खासी। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर देखी था, प्रमोटर्स की होल्डिंग 78% रह गई है। और 78 में भी अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था 78 में पब्लिक के पास 21% की होल्डिंग नजर आती है। किसके पास कितनी है अभी यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं है, एक बार अगर हम चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एक बार एक देख लेते हैं साइंस बैलेंस शीट, अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइट्स पे जाके हम एक बार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अगर अपडेट हुआ होगा तो। कुछ यहाँ पर आए, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन, और कॉर्पोरेट एक्शन में अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर चलेगा, तो वही सेम यहाँ पर दिखा रखा है, दे रखा है। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एनएसई की साइड पे यहाँ पर दे रखा है जुलाई का डेटा, ये जून का था, ये जुलाई का यहाँ पर दे रखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम यहाँ पर देखते हैं तो देखें यहाँ पर आपको एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
एक ही यही यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है शेयर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बार बार इसी लेवल पर लेते हुए नजर आ रहा है शेयर। एक मिनट, अगर देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया ऊपर, और नीचे का सपोर्ट की बात करें तो नीचे का सपोर्ट तो देखिए यही है, बार बार यहाँ पर ही आके रुका था, इसने यहाँ पर ही बॉटम बना लिया था। और मैंने यहीं से ही आपको अगर बात करें इसी के आसपास मैंने आपको बाइंग के लिए कह दिया था, क्योंकि यहाँ पर शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अगर कैसे पता चलेगा तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एक शोल्डर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बना बाद यहाँ पर एक हेड बना, ओके, और हेड बनने के बाद यहाँ पर दोबारा से एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसका मतलब क्या है कि शेयर का ऊपर की तरफ निकलना, यहाँ पर से अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट यहाँ पर जिस तरीके से बड़े बड़े लोग यहाँ पर टारगेट दे रहे, यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा यहाँ पर भागती हुई दिखाई दी थी, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर शेयर बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पर नीचे आए, चांसेस है कि ये शेयर ऊपर की तरफ ही भागता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर देखे तो देखिए 1930 रुपए का लगभग 15% का यहाँ पर अभी अपसाइड दिखाई दे रहा है। बट ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, बट भागना जब शुरू करते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर भागना शुरू करते हैं, फिर ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना बना के यहाँ पर भागते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक पर्टिकुलर शेयर था काफी टाइम तक, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टाइम तक यहाँ पर चला था, फिर उसके बाद अगर भाग यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर जब भागा तो यहाँ पर पोल बनाया, फिर फ्लैग बनाया, फिर पोल बनाया, फिर फ्लैग बनाया, फिर पोल बनाया, फिर फ्लैग बनाया। तो इस तरीके से ये शेयर इस तरीके से ही काम करते हुए दिखाई देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें लॉकिंग पीरियड यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का होता है, जो कि आई थिंक इस 15 या 16 तारीख को खत्म हो जाएगा, 19 जुलाई के आसपास यहाँ पर, 19 अगस्त यहाँ पर ये चीज खत्म हो चुकी है, और इसके बाद ये शेयर यहाँ पर भागते ही वही नजर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप्स करके इस शेयर को खरीद सकते हैं। बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन है, एक्सपोर्ट करती हुई कंपनी केमिकल्स नजर आती है, चाइना इनका बिगेस्ट प्लेयर है, और ग्रीन केमिस्ट्री में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े लोग एक बार बाइंग करना शुरू करेंगे शेयर को भागता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइन शेयर पर जाओ, खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरी वीडियो को जाके गो थ्रू करना है, उसे भी यहाँ पर लाइक करना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।